ब्राजील में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। ब्राजील में गर्भवती महिलाओं के लिए यह महामारी काल बनती जा रही है। ब्राजील में कोरोना से 1400 प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत हो चुकी है। यह आंकड़े बेहद डरावने हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि जानकारों ने महिलाओं को फिलहाल प्रेग्नेंसी टालने की सलाह तक दे दी है। एक दो नहीं, पूरी 1400 ऐसी कब्रें खोदी गई हैं समूचे ब्राजील में, जिसमें गर्भवती महिलाओं को दफन किया गया है। शहर शहर प्रेग्नेंट महिलाओं पर कहर बनकर टूटा है कोरोना वायरस। वायरस काल बन चुका है ब्राजील में ऐसी महिलाओं के लिए जो या तो प्रेग्नेंट हैं या फिर जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। ब्राजील के एक टास्क फोर्स के मुताबिक पिछले साल फरवरी महीने में कोरोना महामारी की चपेट में आने के बाद ब्राजील में कम से कम 1400 गर्भवती और बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं की मौत हो गई। इनमें से करीब 932 महिलाओं की मौत इस साल हुई है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से होने वाली गर्भवती महिलाओं के मौत के कुल मामलों में से 77.5% ब्राजील में हुए हैं। स्थिति इतनी विस्फोटक हो चुकी है कि अधिकारियों ने महिलाओं को ब्राजील में कोरोना के कहर के कम होने तक प्रेग्नेंट होने में देरी करने की सलाह दी है। आपको बता दें, वुहान वायरस के विस्फोट से ब्राजील का जर्रा जर्रा थर्रा रहा है। दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतें ब्राजील में हुई हैं। 21 करोड़ की आबादी वाले ब्राजील में 4,17,000 से ज्यादा लोगों की सांसें उखड़ चुकी हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से गर्भवती महिलाओं के लिए यह महामारी काल बन गई है, वो बहुत ही भयावह है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।